टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बुआई घटने, पाइपलाइन खाली होने से धनिया में तेजी देखने को मिल रही है। हाजिर में पिछले एक साल में करीब 50% धनिया के भाव बढ़े हैं। धनिया की बुआई इस बार कम बताई जा रही है और करीब करीब 20-25% कम रहने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। और धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी लगभग थोड़ा कम हो सकता है और करीब 15% कम रह सकता है। वहीं राजस्थान में धनिया की बुआई 38% और गुजरात में 6% कम हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस बार धनिया की बुआई घटने की आशंका जताई जा रही है और जो भाव है वो ऊपर होने से यानी कि कीमतों में तेजी के चलते अभी धनिया की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी थोड़ी कमजोर ही देखने को मिल रही है। और उधर रेडिंग सीजन में इसकी मांग मजबूत होने से घरेलू स्तर पर इसकी कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। बात करें अगर NCDEX की तो NCDEX पर धनिया का वायदा बाजार फिर से 9000 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे चुका है। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के कहना है कि धनिया में आगे तेजी का ही रुझान है। धनिया में NCDEX पर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। अजय केडिया के अनुसार धनिया में 8100 के लेवल पर खरीदारी में रहा जा सकता है और 9200 का लेवल तोड़ने पर और धनिया की कीमतों में तेजी का नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।